भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है श्रीलंका दौरे के लिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा T20 की टीम में, जिसमें बहुत बड़ा झटका लगा हार्दिक पांड्या को। दो झटके लग गए हैं एक साथ, एक तो उनसे कप्तानी छीन ली गई, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया है T20 फॉर्मेट का, और उनकी पत्नी ने उनको डिवोर्स दे दिया है। और सूर्य कुमार यादव कप्तान है, सुमन गिल उप कप्तान है, वाइस कैप्टन है, और उनके साथ ओपनिंग करेंगे यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा। दोनों को ही ड्रॉप कर दिया गया है, जो भारतीय टीम की एक बहुत ही अलग प्रकार की सोच है, पता नहीं क्या है। और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। इसके बाद रिंकू सिंह को मौका दिया गया है और रियान पराग हैं, संजू सैमसन और ऋषभ पंत दो विकेट कीपर होंगे। और इस पंत पर भी दबाव पड़ेगा, जब परफॉर्मेंस करो नहीं तो फिर संजू सैमसन को अंदर लिया जाएगा। और इसके बाद हार्दिक पांड्या टीम में तो रहेंगे लेकिन कप्तान नहीं है, और ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने एक तरह से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रखा है और नंबर वन T20 को ऑलराउंडर हैं। और इसके बाद अक्षर पटेल को भी लिया गया है भारतीय टीम में, और वाशिंगटन सुंदर हैं, शिवम दुबे को एक बार फिर मौका दिया गया है, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह हैं। और सूर्य कुमार यादव को परमानेंट कप्तान बना दिया गया है 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक। लेकिन हार्दिक पांड्या भी किसी से कम नहीं है, वह कप्तानी छीन कर ही मानेंगे, देखना होगा आगे क्या होता है। और ODI की टीम में बता दूं आपको श्रीलंका दौरे के लिए, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ये बोल रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे, उनको आना ही पड़ा, ये है गंभीर का दावा। और रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया गया है इसमें भी और T20 में भी। और इसके बाद विराट कोहली की वापसी हुई है और KL राहुल को जिसने वापसी भी हुई है, और ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर हैं, श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, हर्षित राणा और खलील अहमद। देखना ये होगा कि इसमें कंपटीशन होगा अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के बीच में। और देखना हो तो भारत की इनमें से क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। सबसे पहले तो बात यह आती है कि इसमें से मुख्य दो बड़े खिलाड़ी ड्रॉप किए गए हैं T20 में से, जिसमें अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ की कोई गलती नहीं, यदि परफॉर्मेंस के आधार पर ही टीम में चुना जा रहा है बल्लेबाजों को, तो सूर्य कुमार यादव को ही वनडे में लेना चाहिए था। सुमन गिल की बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है T20 में, और इनको ले लिया है अंदर। और क्या लगता है भारतीय टीम इस बार श्रीलंका को 3-0 दोनों में हराएगी, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी पे तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी देखी जाएगी इस दौरे पर किस हिसाब की करते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि पहले इसमें जो यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल, गौतम गंभीर एक ऐसे हैं जो कि शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो वो संजू सैमसन से भी ओपनिंग करवा सकते हैं, ऋषभ पंत से भी ओपनिंग करवा सकते हैं। और वनडे की टीम में देखा जाए तो कल